चलिए गुड इवनिंग क्लास शुरू करते हैं थोड़ा सा इशू है यूट्यूब का ही लगता है शाम में इशू रहता है मतलब इट स्ट्रगल्स टू हैंडल द ट्रैफिक दैट इट हैज़ गॉट ट्रैफिक ज़्यादा रहता होगा शाम में तो क्लास देख लेते हैं आज की शुरू करते हैं क्लास आई होप सबको टास्क करके रखा होगा ठीक है और ग्रामर को लेकर के तुम लोग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मत ग्रामर पढ़ाइए हम लोगों के यहाँ नेट नहीं रहता है दिक्कत होती है बट ग्रामर तो पढ़ाना पड़ेगा ना क्योंकि अगस्त से पहले चीज़ें नॉर्मल नहीं होनी है ठीक है तो देख लेते हैं ग्रामर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ठीक है और ग्रामर की जो क्लासेज होंगी वो यूट्यूब पर आपको सिर्फ लाइव ही रहेंगे लाइव के बाद ख़त्म हो जाएगा ठीक है उसको अनलिस्ट कर दिया जाएगा तो अगर ग्रामर की क्लास होगी तो यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट बाद में नहीं देख पाएंगे ठीक है तो इसका एक शेड्यूल देते हैं ग्रामर का कल में कल या परसों तक और ये क्लासेस सिर्फ लाइव होंगी बाद में ये वीडियो नहीं रहेगा यूट्यूब पे ठीक है तो एक टाइमिंग वर्कआउट करते हैं एक आठ सेशंस कम करते हैं जो अभी सेशन चल रहे हैं ना ये एडियम्स एंड फ्रेजेस वाला सेशन ख़त्म करते हैं क्योंकि उतने व्यूज़ नहीं रहते हैं ठीक है तो उसको कम करते हैं क्योंकि टाइम तो लगता ही है ना व्यूज़ कितने भी हो हमको तो उतना ही समय देना है तो उसको क्या है ख़त्म करते हैं देख लेते हैं एक दो दिन रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसके बाद उसको एंड करके ग्रामर एक्सटेंड करेंगे चलो देखा जाए शुरू करते हैं ही वॉज नॉट अ जॉयफुल पर्सन यहां से पार्सिंग करनी है डाउन टू द क्रिमेशन ग्राउंड ही वॉज नॉट अ जॉयफुल पर्सन ही आपका यहाँ पे प्रोनाउन है सब्जेक्ट का काम कर रहा है वॉज यहाँ पे बी वर्ब का काम कर रहा है बी वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है वॉज क्लोजटेस्ट कैसा चल रहा है तुम लोगों का क्लोजटेस्ट तो समझ में आ रहा होगा आज का थोड़ा टफ था बट आई होप सबके पल्ले पड़ा होगा क्योंकि ईजी टफ तो होते ही रहना ना लेवल चेंज नहीं होगा एक ही लेवल पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ठीक है तो देखो कि नॉट आपका एडवर्ब है पर्सन आपका नाउन है इस नाउन के लिए एडजेक्टिव आ रहा है जॉयफुल ए आ रहा है आर्टिकल और नॉट जो है एडवर्ब वो जॉयफुल के लिए भी आप कह सकते हैं आ रहा है एडजेक्टिव के लिए कि ही वाज नॉट अ जॉयफुल पर्सन बट देन बट देन एक्सप्रेशन है बट देन आपका क्या है एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन अब याद रखिएगा धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया लग गया है कि कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं पेयर के रूप में आते हैं दो या तीन शब्दों का समूह होगा जो हमेशा एक साथ आएगा उसकी क्या होगी एक विशेष मीनिंग होगी ठीक है उसकी एक क्या होगी विशेष मीनिंग होगी तो बट देन आपका एक ईडियम है बट और देन आपका क्या है एडियम है कंजंक्शन एडवर्ब है उसको छोड़ दीजिए ये दोनों जब एक साथ आया सेपरेट करके दिया गया है तो इसकी मीनिंग क्या होती है यह एक ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है हमने कल आप सभी को कहा था कि इस तरह के जब भी एक्सप्रेशन कोई आए तो नोट बनाने के लिए प्रिपेयर रहना ठीक है तो इसका देखो क्या है ये इंट्रोड्यूस करता है एक नए स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बर्ड देन का प्रयोग करते हैं और यह जो स्टेटमेंट होना चाहिए पीछे वाले स्टेटमेंट से अलग होना चाहिए ठीक है जैसे पीछे कहा यानी ही वॉज नॉट अ जॉयफुल पर्सन यानी वो बहुत ज़्यादा खुशहाल आदमी नहीं था तो बट देन आपने लिखा उसके बाद इसका मतलब अगले वाक्य में आप बताइएगा कि खुशहाल या फिर खुश रहेगा यानी पीछे वाले वाक्य को आप क्या कीजिएगा काटिएगा कंट्राडिक्ट कीजिएगा इसलिए आप बट देन का प्रयोग करते हैं तो कोई आपसे पूछेगा बट देन क्या है तो आप बोलिएगा सर बट देन एक एडीएम है जिसका प्रयोग हम लोग किसी नए स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और यह जो नया स्टेटमेंट होता है वो पीछे वाले स्टेटमेंट को क्या करता है कंट्राडिक्ट करता है ठीक है हाँ प्रभाकर दो मंथ में काफ़ी है दो मंथ में ग्रामर खत्म हो जाएगा बट वी विल टेक इट स्लो थोड़ा स्लो इसलिए ले लेके चलेंगे ना क्योंकि प्रैक्टिस भी यहीं करवा देंगे ठीक है बट उससे पहले आई विल आ, नीड क्या कह सकते हैं एन एश्योरेंस फ्रॉम यू कि दोबारा तुम लोग क्लास में पढ़ाने नहीं कहोगे ठीक है क्योंकि दो बार हम रिपीट करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत का गुड इवनिंग निकी चलिए आगे बताते हैं तो यहाँ पे समझ में आ गया सबको देन का यूज कि बर्थ दिन क्या है एक इडियम है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं एक नए स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और यह जो स्टेटमेंट होता है वह पीछे वाले स्टेटमेंट को क्या करता है कंट्राडिक्ट करता है ठीक है चलिए इसको मिटा देते हैं नायदर आपका यहाँ जो यूज़ हुआ है एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है नायदर आपका एडजेक्टिव भी होता है प्रोनाउन भी होता है एडवर्ब भी होता है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है ठीक है यहाँ पे एडवर्ब यह है मीनिंग बता देंगे क्या होता है वाज बी वर्ब का रूप है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे ही मिज़रेबल नायदर वाज ही मिज़रेबल ये तरीका है बोलने का ठीक है ये तरीका है अगर एडवर्ब के रूप में आप यूज़ करते हैं नायदर को तो नायदर के साथ आप क्या करते हैं मॉडल भर्प या फिर जो आपको ऑग्जिलरी भर्प होता वो यूज है वो यूज़ करते हैं ठीक है तो जब भी आप नाइदर को एडवर्व के रूप में यूज़ कीजिएगा तो डिड कैन इस तरह मतलब जो भी मॉडल भर या ऑगजिलरी भर्प, भर्प होगा इसके ठीक बाद आएगा ठीक है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा इसका ध्यान रखिएगा ठीक है मेन वर्ब या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव आएगा क्योंकि ऑलरेडी बी आपका क्या है मेन वर्ब है नाइदर वाज ही मिजरेबल नाइदर वाज ही मिजरेबल ही आपका यहां पे सब्जेक्ट हो गया और मिजरेबल आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया क्योंकि बी मेन भर्व है तो उसके साथ एडजेक्टिव या फिर नाउन आना चाहिए थे तो रोज का अपना है आई शुड थिंक ही वॉज अ जेन्यून स्टोइक आई शुड थिंक ठीक है तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट शुड आपका मॉडल भर्व है मॉडल भर्व के साथ भर्व का पहला रूप आता है ही सब्जेक्ट हो गया वाज बी भर्व है ठीक है बी भर्व के रूप, रूप में यहाँ मेन भर्व के रूप में यूज हुआ है अ आर्टिकल हो गया स्टोईक नाउन हो गया और जेन्यून क्या हो गया एडजेक्टिव ठीक है हाँ कोई भी ज्वाइन कर सकता है बट द क्लासेज विल बी लाइव क्लासेज लाइव के बाद अवेलेबल नहीं रहेंगी ठीक है इसका ध्यान देना है अब आधे लोग पक्ष में आधे लोग विपक्ष में देखो क्या है कि हम डबल मेहनत नहीं कर सकते हैं आप समझ सकते कि नहीं समझ सकते हैं मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू द सेम थिंग ट्वाइस एक ही काम दो बार करना मतलब कर सकते हैं बट ये फिजिबल नहीं हुआ कोई नहीं कहेगा ठीक है तो इसका ध्यान दीजिए आप मतलब इस तरह से नहीं होगा मतलब सभी व्यक्तियों को एक मत होना होगा एक राय होनी होगी इस पर तभी हो पाएगा कुछ ठीक है आगे देखिए चलो पार्सिंग करते चलते हैं चल, अब यहां पे है वन ऑफ दोज यह भी एक्सप्रेशन की तरह हम लोग यूज करते हैं वन ऑफ दोज ठीक है यहाँ पे वन जो है आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ठीक है नंबर है ऑफ प्रिपोजिशन दोज आपका प्रोनाउन है प्लूरल प्रोनाउन है हु रेलेटिव प्रोनाउन है दोज के लिए आया है तो क्योंकि दोज प्लूरल है तो हु भी प्लूरल हो गया तो इसके साथ डू यानी भर्फ का पहला रूप नॉट जो है वो आपका एडवर्ब है ही हु डू नॉट अटैच डू लग चुका है तो भर्फ का पहला रूप आएगा ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कई बार क्या होता है ना कि टाइपो रहता है टाइपो कहने का मतलब है कि टाइपिंग में मिस्टेक रहता है तो हम लोग को क्या होता है ना कि कुछ नए शब्द होते हैं वो टाइपो लगते हैं ठीक है बट यह टाइपो नहीं है यह क्या है एडवर्ब है ओवर मच क्या होता है एक एडवर्ब होता है ठीक है टू मच के सेंस में यूज होता है आप लोग क्या होता है कि कुछ एक्सप्रेशन आपके लिए नए होते हैं तो आपको लगता है शायद टाइपो है ओवर स्पेस मच होना चाहिए नहीं ओवर मच एक शब्द और इसकी मीनिंग होती है टू मच के सेंस में ठीक है ये एडवर्ब है और आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस आपका नाउन है तो बोलोगे सर एडवर्ब के बाद नाउन तो यह जो अटैच वर्ब के लिए आया है इम्पोर्टेंस नाउन नहीं सॉरी सॉरी ये जो अटैच वर्ब है उसके लिए ओवर मच एडवर्ब आया है ठीक है इम्पोर्टेंस टू प्रपोजिशन है डेम सेल्व प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आपका सेम हो तो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस के रूप में होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में होगा चंदन एडजेक्टिव भी है कौन सा टर्म एडजेक्टिव है ये सही है वोटिंग करा देते हैं तो क्लास वाले जो ग्रुप में है ना जो क्लास वाला ग्रुप है जिसमें हमने ब्लू शर्ट पहन रखी है जिसमें जो आइकन है उसमें हम क्या है एक पोल डाल देते हैं और हर बैच का अलग अलग डाल देते हैं देखो अभी क्या है ना कि पढ़ाना ज़रूरी हो गया अगर नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत ये होगी ना कि फिर हमको क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आप फी पे कर चुके यू वॉन्ट पे मी अगेन आप दोबारा तो पे नहीं कीजिएगा तो इस तरह से हमारी जो इनकम है वो स्टेगनेंट हो जाएगी एक तरह से क्लासेस खुलेंगे भी तो हम नए बैचेस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम पुराने बैचेस को ही खींच रहे होंगे ठीक है तो देख लेते हैं कम से कम क्या होना चाहिए कि सिक्सटी सिक्स परसेंट मेजोरिटी होनी चाहिए ठीक है एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द पीपल शुड अग्री कि हाँ सर क्लास होनी चाहिए ठीक है तीन में से दो लोग सहमत होने चाहिए करा देंगे वोटिंग आगे देख लोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आगे देखेंगे हु आर सब्जेक्ट हो गया रेलिटिव है हुआ आपका ठीक है आर हो गया आपका ऑग्जलरी भर्ब अच्छा नहीं चलो मेन भर्ब की तरह यूज हुआ यहाँ पे क्योंकि आगे जाके एडजेक्टिव आया है आगे जा कर के क्या है आपका अनइनवॉल्व एडजेक्टिव आया है जिसके लिए इमोशनली एडवर्ब आया है और इसी के लिए मेन भर्ब आएगा आर बी भर्व का रूप है नहीं ओवर मच एडजेक्टिव नहीं बचा ओवर मच आपका क्या एडवर्ब है ठीक है ओवर मच जब भी यूज करोगे तो एडवर्ब के रूप में यूज होता है ठीक है मच एडजेक्टिव होता है ओवर मच क्या होता है एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है जब भी यूज़ करोगे तो एडवर्ब ही यूज होता है ठीक है कहीं कहीं पर लोग डिटरमाइनर देखते हैं बट यूज का हम लोग करते हैं क्योंकि देखो टू मच की मीनिंग है ना टू मच तो ऑब्वियस ये बात है कि टू मच एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे हाँ अगर स्पेस दे दोगे ना तब हो जाएगा टू एडवर्ब हो जाएगा मच ऑब्जेक्टिव के बाद ना ठीक है चलो आगे देखेंगे यहाँ पे एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। आगे है इमोशनली अनवॉल्व कंटेंट विथ कंटेंट आपका एडजेक्टिव है प्रिपोजिशन आता है कंटेंट के साथ विथ देयर आर लिमिटेशन लिमिटेशन तुम्हारा नाउन है जिसके लिए एडजेक्टिव हम लोग यूज कर रहे हैं देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है देयर नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में पढ़ना होता है ठीक है आगे देखेंगे देयर डार्क कॉर्नर्स देयर और कॉर्नर्स पे ध्यान देंगे देयर आपका फिर से पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है कॉर्नर्स नाउन है और जिसके लिए जो ऑबजेक्टिव आएगा वो डार्क आएगा ठीक है अच्छा एक सलाह हमको देना तो तुम लोग कि कल से सोच रहे हैं ना कि सुबह में जो एडिटोरियल होता है तो क्यों ना एडिटोरियल की शुरू की चार पांच लाइनें जो होती हैं उसको पार्स कर दिया करें हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट पार्सिंग करा दे शाम में जो अभी कराते हैं और इसको दो सेशन को एक साथ मर्ज कर, कर देते हैं रीडिंग और वो कैब वाला मर्ज कर देते हैं ठीक है शाम में जो न्यूज़पेपर की पार्सिंग करते हैं उसको हटा देते हैं एडिटोरियल जब पढ़ाते हैं तो उसके साथ पार्सिंग को ऐड कर देते हैं और इसमें कोई एक नई चीज़ हम ऐड करते हैं तो हमको लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा सोच के बताना ना तुम लोग ठीक है मतलब सिर्फ इतनी पार्सिंग करते हैं इतना ही रीडिंग करते हैं उसके बाद इसमें एक नया कुछ ऐड करते हैं वो कैप से रिलेटेड इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देते हैं और वो जो न्यूज़पेपर की पार्सिंग होती है ना एडिटोरियल जब पढ़ाते हैं तो एडिटोरियल का ही शुरू का तीन या चार लाइन हंड्रेड पार्स कर देंगे यानी उसका एक एक एलिमेंट पार्स कर देंगे ठीक है ये मेरा सजेशन है तुम लोग बताओ कैसा रहेगा ठीक है और तुम लोग क्या कर सकते हो ना पब्लिक कमेंट में भी डाल सकते हो चैट रिप्लाई की जगह ठीक है हमको लगता है सही रहेगा शाम में क्या है कि ज़्यादा लंबा खींच जाता है दोनों बेनिफिट होगा और कल से लाइव क्लास में सबको प्रेजेंट रहना है और हम कुछ ऐसा करेंगे कि भाई जो एक बार मतलब वीडियोस के बाद क्या डिलीट कर देंगे ताकि अटेंशन स्पैन लोगों का बढ़े ठीक है आप लोग क्या है कि टाइमिंग नहीं दे रहे आगे हो आगे देखोगे संडे को होगा नॉर्मल लेवल संभव तो ये है शाहबाज़ ऐसा करेंगे ना देखिए आप सभी ध्यान दीजिएगा कि हमको तो वो कैप बनाने में टाइम लगता है ना एडिटोरियल तो हम सात साढ़े सात में डिसाइड कर लेते हैं कौन सा बनाना है तो सात साढ़े सात में हमने एडिटोरियल का जो रॉ फॉर्मेट है वो डाल देंगे शाहबाज़ आपके सजेशन पे हम बोल रहे हैं कि जो ब्लैंक एडिटोरियल होगा बिना पार्सिंग के वो हम डाल देंगे सात साढ़े में इस पर टेलीग्राम पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसका होना है तो आप खुद से पार्सिंग करके रख लीजिएगा और उस समय कंपेयर कर लीजिएगा ऐसे एक सजेशन है देखा जाए ठीक है दोनों टाइम में भी करा सकते हैं डबल भी करा सकते हैं ठीक है आई एम ओपन फॉर एवरी पॉसिबिलिटी बट देख रहे हैं कौन सा चीज़ कैसे वर्क करता है बट ब्लैंक एडिटोरियल पहले डाल देंगे ब्लैंक एडिटोरियल डाल देंगे ना फिर देखो बफर हो रहा है चलो गुड इवनिंग अविनाश आप लेट हो थोड़ा हाँ बफर होगा शाम में रहता है बच्चा शाम का ही इशू है अब हम समझ गए कि शाम का इशू है अधिकतर टीचर्स लगता है शाम में बैंडविथ लेके बैठे रहते हैं वो सबका बफर हो रहा है हमारा भी हो रहा था हम भी देखते हैं ना टीवी पे लाइव बट अब ठीक हो गया सही हो जाएगा चलिए आगे देखा जाए आई वॉन्टेड आई सब्जेक्ट हो गया वॉन्टेड भर्व का दूसरा रूप हो गया टू प्लस भी वन ठीक है प्लस फिर टू है प्लस भी वन तो टू गेट टू नो ठीक है द ओल्ड मैन आर्टिकल ओल्ड आपका जो एडजेक्टिव है वो मैन नाउन के लिए आ रहा है वर्ड टेस्ट करा दे एक हफ्ते का जो वर्ड मीनिंग दिए हैं हाँ ये भी करा सकते हैं वो कैब का टेस्ट ले सकते हैं लाइव टेस्ट ले लेते हैं चंदन ने बहुत सही दिमाग दिया क्योंकि मेहनत तो कर ही रहा आदमी एकदम सही है चंदन ठीक है एकदम सही चलो ठीक है ठीक है सबका सजेशन हम ले लिए हैं आ, कुछ वर्क करके इस पर बताते हैं अभी पढ़ लें जो चल रहा है बेटर आपका यहाँ पे एडवर्ब है बेटर जो यूज हुआ ऑब्जेक्टिव वाला नहीं एडवर्ब वाला है ठीक है अच्छा एक छोटा सा सजेशन तो व्यूज कैसे बढ़ाए जाए लोगों को आकर्षित कैसे किया जाए नाचने और गाने के अलावा सजेशन देना कि ये दो काम छोड़ करके कुछ करने के लिए ठीक है आगे देखा जाए टू साउंड हिम आउट ऑन द इमेंस क्वेश्चन तो टू यहां पे आपका प्रिपोजिशन हो गया ठीक है साउंड आउट फ्रेजल भर्ब हो गया और हिम आपका क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ऑन प्रिपोजिशन है जो क्वेश्चन नाउन के लिए आ रहा है क्वेश्चन नाउन के लिए ऑब्जेक्टिव आ रहा है इमेंस और आर्टिकल आ रहा है आपका द इन्वॉल्व भर्ब का तीसरा रूप इन प्रिपोजिशन है रोस्टिंग पीनट्स भर्फ का चौथा रूप पीनट्स आपका नाउन है ऑल हिज लाइफ ऑल आपका की तरह इस्तेमाल हुआ है लाइफ आपका नाउन है हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है ठीक है चलो ठीक है ये सही है ये कर सकते हैं डेली व्यूज की बात हो रही है डेली व्यूज़ की हाउ टू इंप्रूव डेली व्यूज़ अब अट्रैक्टिव थंबनेल में अब वो रिक्शा और ऑटो के अंदर जो लगा रहता है उस तरह से हीरो हीरोइन की फ़ोटोज लग, <laughs> लगानी पड़ेंगी लगता है देखा जाए ठीक है तुम लोग सजेशन मांग रहे हैं हम ताकि उस पर हम क्या कर सकें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें आगे देखा जाए बट इट इज़ टू लेट नाउ बट इट इज़ टू लेट नाउ बट आपका क्या है कंजंक्शन है इट सब्जेक्ट हो गया इज आपका क्या हो गया मेन वर्ब हो गया टू एडवर्ब हो गया लेट आपका एडजेक्टिव हो गया और नाउ आपका क्या है एडवर्ब हो गया ठीक है इन्वॉल्व भर्व का तीसरा रूप कैसे है ठीक है देखोगे पार्टिसिपल है यहाँ पे आ, भी टू नहीं होकर के क्या है पार्टिसिपल है बताते हैं क्यों ठीक है आ, क्या होता है ना कि कई बार हम लोग को दिक्कत ये होती है कि भी टू और भी थ्री क्या होता है सेम होता है बट स्ट्रक्चर पे जब जाओगे जैसे हम बोलेंगे द बुक्स गिवन टू मी वो किताबें जो मुझे दी गई थी ठीक है तो यहाँ पे क्या है Gave, नहीं गिवन होता है रुक जाओ कोई ऐसा एग्जाम्पल जो तुम लोग का क्या हो सुना हुआ हो ठीक है मोटिवेशन वाला वीडियो ठीक है शाहबाज मोटिवेशन कल देते हैं लोगों को ठीक है कल मोटिवेट किया जाए लोगों को हाउ टू डू थिंग्स अपने बारे में बता करके ना कि हमने क्या किया नहीं किया अपनी जीवन की कहानी ठीक है चलिए अगर इस तरह से क्लासेस लें तो क्या ऐसा रहेगा ये तुम लोग भी सलाह देना कि मतलब आई शुड बी इन द फ्रेम टू मतलब आपका जो एडिटोरियल है जो भी क्लास होती है क्या उसमें जैसे इस तरह से होता है ना क्लास का आपका मान लीजिए पूरा एडिटोरियल है तो इस कोने पे या फिर इस कोने पे आपका मास्टर बैठा रहे यही चाहते हैं ना शायद आप मॉर्निंग का सेशन एफ बी पे लाइव करा दें ठीक है चलो चंदन की सलाह मानी जाए मॉर्निंग वाला एफ बी पे भी लाइव कर देते हैं कल से ठीक है बड़ी मुश्किल से एक्चुअली क्या है ना हमने यूट्यूब पे लाइव करना सीखा है बट एफ बी पे लाइव किया जाएगा इट विल बी डन चलिए आगे देखा जाए एक एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे कि वो कैसे पता चलेगा पार्टिसिपल तो नॉर्मली क्या है जब वो क्या है ना ऑब्जेक्टिव की तरह यूजर है वो खासियत बता रहा है उस नाउन की वो क्या बता रहा है खासियत बता रहा है ठीक है किस ना उनकी खासियत यहाँ पे बता रहा है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं इन रोस्टिंग पीनट्स वह सवाल जो इन्वॉल्व है रोस्ट पीनट्स को रोस्ट करने में पीनट कैसे रोस्ट होता है पीनट को भुना कैसे जाता है मूँगफली को ठीक है तो उस नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है मोटिवेशन छः से सात पी में दें अच्छा देखते हैं देखते हैं बहुत सुझाव हो गया अब इन सुझावों पर हमें वर्क करने के लिए टाइम दो आगे बढ़ते हैं टुडे हीज डार्क कॉर्नर एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम है टुडे हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके लिए एक नाउन चाहिए वह जो नाउन आपका है वह है कॉर्नर और इसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है डार्क वाज डिजर्टेड वाज बी भर्व का रूप है यहाँ मेन भर्व की तरह आया है डिजर्टेड एडजेक्टिव है भर्व का तीसरा रूप जब एडजेक्टिव का, का काम करता है तो उसको कहते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल ठीक है द ओल्ड मैन हैड वैनिश्ड द ओल्ड मैन आर्टिकल ओल्ड आपका एडजेक्टिव है मैन आपका नाउन है हैड वेनिस्ड ऑग्जलरी भर्ब और वेनिस्ड क्या भर्ब का तीसरा रूप द कुलीज आर्टिकल प्लस नाउन हैड ऑग्जलरी भर्ब है कैरीड हिम डाउन तो कैरी के साथ डाउन है तो, तो ये फ्रेजल भर्ब है आपका कैरीडाउन और हिम क्या है ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है ठीक है और कहा ले जाया गया है तो उसके लिए टू जहां से यात्रा शुरू होती है उसके लिए फ्रॉम और जहां यात्रा खत्म होती है उसके लिए टू का प्रयोग हम लोग करते हैं टू प्रिपोजिशन है द क्रीमेशन ग्राउंड क्रीमेशन ग्राउंड आपका कंपाउंड नाउन है दो शब्दों से मिलकर बना नाउन और द आपका आर्टिकल है ठीक है तो आई होप इतना समझ में आया होगा सबको किसी टर्म में दिक्कत हो तो पूछ लेना चलिए आगे देखा जाए। से वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा खुश आदमी नहीं था। मतलब खुशहाल नहीं था लेकिन उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल भी नहीं था बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं था आई शुड थिंक ही वॉज अ जेन्यून स्टोइक हाँ तुम लोग एक दूसरे का मजाक जरूर उड़ा लो ठीक है विकास और चंदन मुझे लगता है वह क्या था एक जेन्युइन स्टोइक था स्टोइक मतलब होता है एक ऐसा आदमी ना जो बहुत ही शांत होता है ठीक है जो किसी चीज की शिकायत नहीं करता है जो भी कष्ट होता है उसको क्या होता है आराम से झेलता रहता है ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्टोइक कहते हैं तो सचमुच में क्या था स्टोइक था बेचारा वन ऑफ दोस हु डू नॉट अटैच ओवर मच इंपॉर्टेंस टू देमसेल्फ्स तो वैसे लोग होते हैं ना वन ऑफ दोज का मतलब है वह उन लोगों में से एक था हु डू नॉट अटैच क्योंकि दोस्त देखिए ठीक है है पे पे आ रहा है दोस के साथ तो यहां पे do का प्रयोग किया है डू नॉट अटैच ओवर मच इंपॉर्टेंस टू खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं हु आर इमोशनली अन जो क्या है ज्यादा भावनात्मक रूप से किसी चीज से नहीं जुड़ते हैं कंटेंट विद देयर लिमिटेशंस अपनी सीमाओं में ही खुश रहते हैं अपने अंधेरे कोनों में क्या है खुश रहते हैं आई वांटेड टू गेट टू नो द ओल्ड मैन बेटर मैं उस पूरे आदमी को और बेहतर ढंग से जानना चाहता था तो उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था टू साउंड हिम आउट ऑन द इमेंस क्वेश्चन इन्वॉल्व इन रोस्टिंग पीनट्स ऑल हिज लाइफ मैं उससे पूछना चाहता था कि भाई जिंदगी भर जो उसने मूँगफलियाँ भुनी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की क्या था कैसा था बट इट इज टू लेट नाउ लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है टुडे हिज डार्क कॉर्नर वॉज डिजर्टेड आज उसका वह कोना वह अंधेरा कोना जहाँ वो बैठता था वह सुनसान है डिजर्टेड है खाली है द ओल्ड मैन है हेड वेनिस्ट वो जो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका है शुड मॉडल भर पर है बच्चा ठीक है शुड 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 कहाँ पे था आई शुड थिंक देखो मॉडल भर्ब जो होता है ना उसका बहुत सारा मीनिंग होता है एक मॉडल भर्ब का भी बहुत सारा मीनिंग होता है तो शुड नॉर्मली हम लोग को सलाह वाला ही याद है कौन सा याद आता है सलाह वाला याद आता है ठीक है तो आई शुड थिंक का यूज क्या होता है ना हम लोग इसलिए भी करते हैं कि आ, मतलब कैसे आपको बताएं आई शुड थिंक ही वॉज स्टोइक तो मुझे लगता है If you think something is true, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही है तो आप क्या यूज कीजिएगा शुड ठीक है तो अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आप क्या यूज कीजिएगा शुड का प्रयोग कीजिएगा तो शुड का एक रेफरेंस ये भी होता है ठीक है बहुत वास्ट है अगर आप इसकी मीनिंग देखेंगे ना डिक्शनरी में तो दस बारह से अधिक मीनिंग होती है दस बारह अलग अलग सेंसेज में यूज करते हैं उसमें एक सेंस ये होता है कि अगर हाँ, मतलब वाट यू थिंक इज ट्रू जो आपको सही लगता है ठीक है तो हमको लगता है आई थिंक ही वॉज स्टोइक मतलब हमको लगता है आई शुड थिंक यानी मुझे लगता है आई थिंक दैट दिस इज ट्रू कि वो क्या था स्टोइक था स्टोइक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने दुख सुख से फर्क नहीं पड़ता है चलिए ठीक है नहीं आई थिंक आई एम सर्टेन ही वॉज अ जेन्यून स्टोइक इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है आगे द कुल हैड कैरियड हिम डाउन टू तो द क्रिएमेशन ग्राउंड उसको शमशान भूमि तक जो कुली लोग थे वो उठा के ले गए थे ही डाइड हिन स्लिप वो नींद में उसने प्राण अपने त्यागे सिर्ट द टी शॉप ओनर चाय वाले ने कहा ही वॉज वेरी ओल्ड वो बहुत बुरा था वेरी ओल्ड सफिशियंट रीज़न टू डाई और हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा है तो हमें लगता है कि ये सफिशियंट रीज़न है उसके मरने के लिए तो अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा है तो मरता है तो हमें उतना बुरा नहीं लगता है बट दैट कॉर्नर इज़ वेरी एम वेरी डार्क एंड आई नो दैट वाट एवर आई वेन एवर आई पास आई विल बी हाउंटेड बाई विजन्स दैन ओल्ड पीनड वेंडर ट्रबल्ड बाई द क्वेश्चन आई फेल टू आस्क लेकिन आज वो खूना क्या है बहुत ही ज्यादा खाली है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और मुझे पता है मैं जब भी वहाँ से गुजरूंगा तो मुझे तंग करेंगे हाउंट का मतलब है तंग करेगी याद आएगी क्या चीज़ें याद आएंगी उस पीनड वेंडर के विजन्स उस पीनड वेंडर की वहाँ पर मुझे छवि देखेगी कि यहाँ पर वो बैठा रहता था यहाँ पे वो मूँगफली भुनता था ट्रबल ट्रबल्ड बाई द क्वेश्चन आई फेल टू आस्क और मुझे परेशान करेंगे वो सवाल जो मैं उससे पूछ नहीं पाया चलिए तीन लाइने खत्म कर देते हैं स्पीक टू द क्रिश्चियन राइटर्स ग्रुप एट देवदार्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग फॉर अ लिविंग क्वेश्चन विच इन योर ओपिनियन इज द बेस्ट बुक ऑन क्रिस्टैनिटी आई वेज थाउट इट वॉज द न्यू टेस्टामेंट वॉज ऑल आई कुड से ठीक है तो एक दिन की बात है क्रिश्चियन राइटर्स ग्रुप है देवदार मतलब ऐसा ये समूह का नाम है ये क्या क्लब का नाम है वहाँ पे इसने किसी से बात की और बातचीत हो रही थी कि रोजी रोटी के लिए लिखना कैसा रहेगा तो उन्होंने कहा विच इन योर ओपिनियन इज़ द बेस्ट बुक ऑन क्रिस्चैनिटी तो उन्होंने मुझसे पूछा ईसाई धर्म के बारे में लिखी गई सबसे बेहतर किताब कौन है तो मेरा हमें तो मेरा जवाब था आई हैड ऑलवेज थाउट इट वॉज द न्यू टेस्टामेंट वॉज ऑल आई कुड से तो मेरे मुँह से एक ही बात निकली कि मुझे हमेशा से लगता है कि जो न्यू टेस्टामेंट है ठीक है बाइबल का दो है एक ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट वह सबसे बढ़िया किताब है ठीक है ये अनरिलेटेड दो लाइनें थी मुझे भी इसका कोई रेफरेंस समझ में नहीं आया बट दिस इज़ द होल स्टोरी दैट वी हैड टू रीड तो कल से बुक करते हैं चेंज कल से हम बुक क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं कौन से राइटर पकड़े चलिए लेट अस हैव अ पोल लेट अस हैव अ स्मॉल पोल ब्रिटिश राइटर अमेरिकन राइटर या इंडियन राइटर ठीक है तीन ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं पहला है बुक चेंज करने की बात हो रही है इंडियन राइटर दूसरा ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश राइटर और तीसरा ऑप्शन है आपके पास अमेरिकन ऑथर चलिए गिव यर वोट वाज के इट वाज द तो वाज यहां पे बी भर्फ का रूप है मेन भर्फ की तरह इस्तेमाल हुआ है शुभम लास्ट वाली लाइन में चलिए आपके पास तीन ऑप्शन है यू हैव टू गिव पोल ठीक है हमको काउंट भी करना है वोट कि सोच रहे हैं किताब चेंज कर दे ये किताब बहुत अच्छी है तो पढ़ो इसको ठीक है तो इंडियन राइटर ब्रिटिश राइटर या अमेरिकन राइटर हमेशा ध्यान दीजिएगा भाषा का फ़र्क होगा ये इंडियन राइटर की किताबें भाषा थोड़ी आसान थी बुक हम डिसाइड करेंगे भरत आर्मी जो किताब हमारी नहीं पढ़ी होगी या फिर जो बहुत पहले हमने पढ़ी होगी भूल चुके होंगे वो तो आप वोट डालिए एक दो तीन करके बाकी हम डिसाइड करेंगे एक दो तीन डालिए हम यहाँ पर काउंट करते जा रहे हैं तो शुभ हम किताब का मतलब थोड़ी कि हम पूरा पढ़ाएंगे चलो तो अमेरिकन राइटर के पक्ष में एक वोट आ चुका है ब्रिटिश राइटर के पक्ष में एक वोट आ चुका है चार स्टोरी हुआ बाकी पढ़ो अब क्या है ना कि इनकी भाषा से हम बोर हो गए हैं ब्रिटिश राइटर के पक्ष में एक और वोट आ गया दो वोट हो गए इंडियन राइटर के पक्ष में एक वोट है चंदन का प्रिंस कुमार भी इंडियन राइटर के पक्ष में इंडियन राइटर में दो अमेरिकन के पक्ष में दो इंडियन के पक्ष में तीन आ चुके हैं अमेरिकन के पक्ष में एक और वोट गया ब्रिटिश के पक्ष में अरे रुक जाओ रुक जाओ हमको काउंट करने दो ब्रिटिश के पक्ष में रेशमा है अजीत हैं ब्रिटिश आगे चल रहे हैं इंडियन पीछे चल रहे हैं ब्रिटिश 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 अमेरिकन के पक्ष में विकास है तो ठीक है तो ब्रिटिश ऑथर पकड़े गए कि भाई ब्रिटिश ऑथर की किताब होगी किताब सजेस्ट करते हैं रुक जाइए अभी डिसाइड कर लेते हैं जेके रॉलिंग जैकन पीट्रिस पेरेट ठीक है चलिए किताब खोज ली जाएगी किताब कल आपको सजेस्ट कर दी जाएगी ब्रिटिश राइटर को ज्यादा वोट मिले हैं इंडियन अमेरिकन अमेरिकन वोट फिर इंडियन को बढ़ गया बच्चा ठीक है तो ऐसा करते हैं ना कि आज टेलीग्राम पे हम आपको तो जो तीन बुक हैं तीनों मतलब तीनों राइटर की एक एक बुक मतलब तीनों तरह के राइटर्स की एक एक बुक हम क्या करते हैं शॉर्ट लिस्ट करके डालते हैं और फिर उसके बाद क्या है वी विल डिसाइड देन ठीक है एक पोल डाल देते हैं टेलीग्राम पर सबको टेलीग्राम पर हो ना ठीक है बुक देख लेना बुक दे देंगे बुक को डाउनलोड करके देख लो उससे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा बट एनी ब्लाइटिन की बुक पढ़ाई जा सकती है मेरे पास एनिट ब्लाइटन की बुक है ब्रिटिश राइटर है एनिट ब्लाइटन पढ़ाई जाए ठीक है मेरे पास एनिट ब्लाइटन की बहुत सारी बुक है, एनिट ब्लाइटन पढ़ाया जा सकता है ठीक है इंटरेस्टिंग किताब, कहानियाँ भी आती हैं एनिट ब्लाइटन की थोड़ा सा आज हमको समय लगेगा थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ठीक है एनिड ब्लाइटन पढ़ाते हैं तुम लोग को सो इट हैज़ बिन डिसाइडेड कि जो बुक हम पढ़ाएंगे वो एनिड ब्लाइटन की पढ़ाएंगे कल ठीक है ऐसे तीनों का मतलब हम डाल देंगे बट हमको एनिट ब्लाइटन मतलब सही लगा मेरे पास बुक्स भी हैं उनकी बहुत ज्यादा बुक्स हैं आज डाल देंगे तीनों मतलब शॉर्ट लिस्ट करके तीन बुक्स हम डाल देंगे तुम लोग डिसाइड कर लेना कि तुम लोग को कौन सा पसंद आता है ठीक है और एक पॉल करा देंगे उसी पे। और कल सवेरे मिलते हैं आज रहन देते हैं कल से क्या है एडिटोरियल में ही न्यूज़पेपर की पार्सिंग करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहन दो क्लास आज हाफ एन आवर का मोर देन सफिशियंट है और कल एक स्ट्रक्चर शेड्यूल डाल देते हैं ठीक है स्ट्रक्चर शेड्यूल डाल करके शुरू करते हैं और ग्रामर के लिए भी हम बचा ग्रुप में पूछ लेते हैं ग्रामर पढ़ा दिया जाएगा एनिट ब्लाइटन की बुक हम हॉरर स्टोरी अब तो तुम लोग हाँ हम देख लेंगे जिस राइटर की भाषा और जिसके जो शब्द हैं ना वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सूटेबल हो जिसका स्ट्रक्चर क्या ग्रामर को ज़्यादा फॉलो करता हो वैसे बुक लगाते हैं ठीक है बट हम आपको तीन शॉर्ट करके देते हैं चलिए तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और कल नई बुक के साथ मिलेंगे ठीक है लेकिन हम बुक कल आपको फर्स्ट हाफ में ही दे देंगे इससे आपको क्या होगा ना पार्सिंग करने के लिए टाइम मिल जाएगा तो कल मिलते हैं हाँ हाँ ब्रिटिश ही देंगे एनिड ब्लैट एंड ब्रिटिश हैं कमलेश चलो तो कल मिलते हैं गुड नाइट हाँ रजक ग्राम अरे रजक का है ग्रामर वीडियो ग्रामर पढ़ाएंगे बच्चा पढ़ाएंगे रुक जाओ ठीक है तो चलिए आज के लिए गुड नाइट अब कल मिलते हैं सब हम देख लेंगे संभव सबकी किताबें हैं हमारे पास बट देख लेंगे जो बच्चों को सूट करे ठीक है जो आपके टेस्ट को सूट करे जो आपकी नीड को सूट करे चलिए गुड नाइट फॉर नाउ